अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वस्तानिया इम्तिहान के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताने वाला हूं और मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप चाहे वस्तानिया का फॉर्म फिलअप कर रहे हों या फोकानिया या फिर मौलवी, किसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहेंगे तो सबका एक ही तरीक़ा होगा, एक ही प्रोसेस होगा और आप एक ही वीडियो को फॉलो करके वस्तानिया फोकानिया मौलवी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकेंगे। कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जाएंगे हम गूगल क्रोम में और यहाँ पर सर्च करेंगे BSMEBORG। इस पर आपको क्लिक करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि मदरसा बोर्ड का वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ चुका है और आप देखेंगे कि लेटेस्ट अपडेट में लिखा हुआ है वस्तानिया एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन 2022। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का स्टेप्स चालू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे स्टेप वन में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईयर 2022, इसके बाद नीचे सेक्शन फॉर मदरसा है। इधर बगल में कैंडिडेट रेफरेंस आईडी के ज़रिए पेमेंट करने का ऑप्शन है। इसके बाद स्टैंडर्ड अप्लाई फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है कि किसके लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वस्तानिया फोकानिया या मौलवी। उसके बाद सेलेक्ट योर मदरसा डिस्ट्रिक्ट, आपका मदरसा जहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर योर मदरसा या सिलेक्ट योर मदरसा में सही सही मदरसा का नाम इंटर करके अपने मदरसा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप्स के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। मैंने सारा डिटेल भर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आने के बाद आप देख सकते हैं के सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम है। इस खाने में फर्स्ट नेम, दूसरे खाने में लास्ट नेम है भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, दूसरे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इतना डालने के बाद आपको नीचे में जाना है। यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल ख़त्म हो गया है तो मिसलेनियस डिटेल आ गया है। मिसलेनियस में क्या आता है, उसके बाद कैटेगरी कौन सा है, रेगुलर है या प्राइवेट है, यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दीनियात पेपर कौन सा है, दीनियात सुन्नी है या शिया, अगर सुन्नी है तो सुन्नी पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से अगले पेज पर जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर में कम से कम 100 KB के अंदर फ़ोटो अपलोड करना है और 60 KB के अंदर अंदर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपको पूरा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप PDF में प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप पे फी थ्रू ऑनलाइन, यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन दिखता है, आप पे कर देंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, आपके पास जो सहूलत मौजूद हो आप उसे पेमेंट कर देंगे। टोटल 610 रुपया पे करना है, आप पे कर देंगे। उसके बाद आपको एक स्लिप जनरेट होगा, आप उसको प्रिंट करके रख लेंगे अपने। जब तक आप 610 रुपया पे नहीं करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेंडिंग में रहेगा। जब आप पे कर देंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों तक जो उस्तानिया के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भी एग्ज़ाम ना छूटे। आपका एक शेयर किसी का एग्ज़ाम छूटने से बचा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।